पढ़िए ला एला इल्ला अकेला सुनियो सुनियो ना मैं की अर्ज पिया करने संगियो रब जिया ना कोई दाता बड़े बड़े दाता सखी लैन लाड़ तुसा तके हो सन पर रब जिया ना कोई दाता नबी उदे मंगते रसूल उदे मंगते गौस उदे मंगते कुतब उदे मंगते पीर उदे मंगते फकीर उदे मंगते दरवेश उदा मंगता मौलवी उदा मंगता पीर उदा मंगता नाथ खान उदा मंगता हर कोई उस दे दरबार विचो मंगता वे रब जिया ना कोई दाता जो देवे बे मंगे दखल नसीरी न देवन देवे जिसनू जिस रंग रंगे जे पुछ पवे अमला ताई ते कमण चंगे चंगे संगियो जी आ जावे ओ फजला ताई ते कज देवे लख नंगे पढ़िए ला लोगों कलमे नाल मैं नाती धोती ते कलमे नाल विजाई ओ लोगों कलमे पढ़िया जनाजा मेरा ये सब कलमे दी रुशनाई पढ़िए ला करना वा जुनाबे मूसा कलीमुल्ला ने अर्ज की थी मेरे या रब्बा ए मेरे तो पहला जितने नबी गुजरे ने सारिया ने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ाया वे सारिया नल जिबील दे जरिए कलाम की थी मेनू डायरेक्ट को तूर ते बुलाया भी मेरे या रब्बा मैं चाहना वा मेनू कलमा भी कोई वखरा दे दे कुदरत दी आवाज आई मेरे कलीम तकड़ी दे एक पलड़े ते ला इलाहा इल्लल्लाह दूजे पलड़े ते जमीनों आसमान मशरिको मगरिब शुमालो जनूब जिन्नो इंस चरिंदो परिंद हैवाना तो नबतात सारी दुनिया रख दे लेकिन मेरे आ सोनिया ला इलाहा इल्लल्ला फिर भी भारी हो जाए नारे तकबीर नारे रिसालत नारे हैदरी नारे बज़्मे आशिकाने रसूल वो मालिक वो खालिक वो राज़िक जी जो वहदहू ला शरीक है ला इलाहा इल्लल्लाह जिसके अलावा दूसरा कोई इला नहीं है वो वाहिद है अकेला है यकता है वही मालिक कह रहा है मेरे महबूब कह दियो ना ऐलान कर दियो ना वबिल वालिदैन इहसाना अपने वालदैन नाल अच्छा हुस्ने सलूक करियो अच्छा हुस्ने सलूक करियो अल्लाह रहमान पिया कहंदा है सुनियो ना अमली तौर ते लकद कान लकुम फी रसूलिल्लाह उस्वतुन हसना कुरान दी सहायता अमली नमूना मेरे नबी ने पेश फरमाया वे मेरे करीम नबी दा फरमाने पाक सुनियो रहमतुल लिल आलमीन नबी ने फरमाया सहाबा जी मेरे आका फरमाया सुनियो जे कदे अज मेरी मां जिंदा होंदी माँ बाप ते गुफ्तगू कर सा तवज्जो भाई मेरी माँ जिंदा होवी मेरे करीम नबी ने क्योंकि दसिया जोवे सरकारे मदीना दी बारगाह विच गुलाम अर्ज करदे सुनिया अल्लाह रसूल तो बाद मेरे उत्ते सब तो हक ज्यादा किस दे फरमाया उम्मी कमली वाले आ फिर फरमाया उम्मी सुनिया फिर फरमाया उम्मी कमली वाले आ फिर फरमाया तेरा बाप त्रै बार
सारी मां दा हक जलाया वे। मेरे करीम नबी ने फरमाया हाँ मेरी मां जिंदा होविया सैयदा तैयबा ताहिरा आबदा जाहिदा मेरे नबी दी अम्मा पाक हजरत आमना अलैहिस्सलाम कमली वाले नबी ने फरमाया गुलामो मैं नमाज इशा पढ़ रहा होविया सूरह फातिहा तिलावत कर चुका होविया और मेरी मां मेनू आवाज देवे या मेनू पुकारे या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हदीस पाक ने जुमले सुनसो भाई उलमा मैं ज्यादा गुफ्तगू करिया ना भी गिनिया मगर वक्त नहीं किल्लत नहीं बायस सब जय्यद उलमा बैठे ने मेरे तो कहीं बहुत दर्जे गुना ज्यादा अफजल ने। मेरे करीम नबी ने फरमाया मैं नमाज इशा पढ़ रही हूं सूरह फातिहा तिलावत कर चुका हूं मेरी मां मेनू आवाज देवे या मेरा नाम पुकारे या। मेरे कमली वाले ने फरमाया मेरे गुलामो कसम उस जात दी जिने कब्जे कुदरत विच मुहम्मद करीम दी जाने मैं नमाज उठे ही रोक देवियां स्टॉप कर देवियां लब्बे कहदियां होया पहले मां दी गल सुनियां सुभान अल्लाह बेशक माऊनी हुण गौर कर सो जड़े माऊ पियू ने भी अदब हो ना फरमानो पढ़िया लिखिया तबका जिया एक तो ने ना अनपढ़ जड़े पढ़े लिखे हो मोबाइल कोपनी ओए अल्लाह तुसा सलामत रखे जी जी इस ते गौर कर सो मेरे करीम नबी ने फरमाया मेरे रहमतुल लिल आलमीन नबी ने फरमाया मैं तां तुहाड़ा मोबाइल कोपड़ी ने ना गेदा कि तुसी चिट्टे अनपढ़ भी होने हो लेकिन मोबाइल ने सारे सिस्टम तुसा पता अगर ये पता नहीं तो मेहरबानी करके जिन्हें जमया जमाया उन्होंने इज्जत और तकरीम नबी ख्याल कर सो उन्होंने इज्जत हो जी ठीक तुसी बाले वो आके लो हुकूमत पाकिस्तान ने भी कानून ने तुसी खुद मुख्तियार हो सारिया गल्लां अदालतों ने भी फैसले सारिया गल्लां अपनी जगह ते लेकिन मेरे करीम नबी ना फरमान अल्लाह अकबर मेरे रहमतुल लिल आलमीन नबी दा फरमान जी जी गौर करियो ना मैं अगे चलांगा मेरे नबी ने फरमाया मैं लब्बैक कर दिया होया नमाज रोक देवियां पहले अपनी मां दी गल सुनियां मां अगली गल सुनियो जड़े आप फैसले करने हो आप फैसले करने आले हो सब तो ज्यादा अकमल ते आला जात अल्लाह दी मखलूक विच कमली वाले दिए जिदे नारे मारने आ जिदा कलमा पढ़ने आ जिनू हादी मनने आ राहबर मनने आ मोहसिन मनने आ आका और मौला मनने आ उलमा बैठे ने बात पिया करने मेरे करीम नबी नू शादी दा पैगाम आ गया शादी दा पैगाम भेजण वाली कौन है कायनात दे मोमना दी मां वे उम्मुल मोमिनी ने हजरत अम्मा खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने नबी पाक आप दे माल दी तिजारत कर दे ने अम्मा खदीजा दे शोहर दा विसाल हो गया वे सुनियो ना माई साहबा ने किया कमली वाला बड़ा अमीन है सादिके सुच्चा वे सच्चा वे हाय कदे मां अपने हरम विच ले लवे मेरी इज्जत वध जाएगी नबी करीम नू निकाह दा पैगाम मुता मेरे कमली वाले करीम नबी ने पैगाम लियान वाली औरत शुक्रिया अदा कीता सुनियो ओए 17 ते 18 सवाला साला लियो 19 साला लियो 20 साला लियो जेड़े पियुआ ते माऊआ इग्नोर करने हो उना वास्ते हदीस पाक पेश कर रिया मां मेरे करीम नबी नी उम्र मुबारक उस वक्त 25 साल आई कितनी जी माई साहबा नी उम्र कितनी आई 40 साल हुजूर खुद मुख्तियार है कि कोई नहीं अगर तू हुजूर ने ते वालिद नबी विसाल हो गया दादा भी कोई नया मां भी कोई नहीं आई जिस वक्त माई साहबा पैगाम होता अगर तू खुद मुख्तियार है ते अपने नबी नी जिंदगी पढ़ मेरे करीम नबी नू माई साहबा दा पैगाम पहुंचया रहमतुल लिल आलमीन नबी ने फरमाया खदीजा नू मेरा सलाम कवियो ते शुक्रिया अदा करियो ते नाले खदीजा नू कवियो खदीजा तेरा पैगाम मिल गया वे लेकिन जवाब मैं अपने चाचे अबू तालिब नाल मशवरा करके दियांगा सुभान अल्लाह बेशक क्या बात हुजूर चाचे को रने आई तो आते मां माऊ भी नहीं परवाह कोई नहीं हाँ माऊ ना गो के दर्जा ज्यादा लेकिन इसने ये मतलब नहीं कि बापा तुसी इग्नोर करे ओला मां बैठे ने मेरे करीम नबी दे गुलामों पढ़ो ना हदीस पाक दा दसिया गया कि मां जन्नत दा महले 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 उस
महल विच दाखले वास्ते मेरे नबी ने फरमाया बाप दा दरवाजा आवे। बाप उसना की है दरवाजा है जन्नत ने महल ना दरवाजा आवे। बाप इग्नोर ना करी मां दा दर्जा ता ज्यादा है। बाप दा तेरे ते जर खर्च होंदा है पैसा, मां दे जिगर दा खून खर्च होंदा है। पैसे दी कीमत है, जिगर दे खून दी कोई कीमत नहीं। मां दा दर्जा ता ज्यादा रखिया गया है। सुनी सुनी ना मेरे वीरा, मेरे करीम नबी दे गुलामो, जी जी रहमतुल नबी ने फरमाया मेरी मां मैनू आवाज दे विया। मेरे करीम नबी ने फरमाया मैं पहले मां दी गल सुनिया, नमाज बाद विच आण के पढ़िया, उथे ही छोड़ देवियां। फरमाया चाचे नाल मशवरा करके जवाब देंगा। मेरे करीम नबी ने जनाबे अबू तालिब नल मशवरे तो बाद हां दा पैगाम मुता। एक कौने कायनात दा दिए इंसानियत दा मोसे ने जहन्नम चो निकालन वाला जन्नत दा पता देन वाला इवें गल नहीं पई होंदी। आ पिछा टुर जाना मेरे नबी पाक दे जद्दी अमजद वल चला जाना, क्योंकि गल वेले नहीं फल मौसम ना। वेला जो आ गया वे मौसम जो आ गया वे। हां दुनिया दे कोने कोने तो मर्दो खवातीन ईमान वाले उस घर दी ज़ियारत वास्ते जा रहे ने, जिस घर विच किसे जमाने विच अल्लाह दे खलीलुल्ला ने बीबी हाजरा नू पुत्र इस्माइल नू छोड़ दिता। फरमा बरदार बीवी जदों खामद उठ के जान लगा, माई साहबा ने आवाज़ दे के किया जान वालिया जंगल विच पहाड़ा में छोड़े जा रिया वे, ना खाना वे ना पीना वे ना साया वे, किदे आसरे ते छोड़े जा रिया वे। माई साहबा ने जदों आवाज़ दिती अल्लाह दे खलील ने फरमाया हाजरा नाराज ना होवी, असल विच मेरे रब दा मैनू हुक्म है। बात अल्लाह दी आई। फरमा बरदार बीवी कहंदी है सोनिया जी अल्लाह दा हुक्म है, हुण तू टुर जा मैं जाना ते मेरा रब जाने। खलील चले गए, बैस लंबी जी खलील चले गए, खलील चले गए, जी जी मेरे भी जो खलील चले गए। कुछ दिनों तो बाद आटा मुक गया, पानी मुक गया, हजरत जनाबे हाजरा अलैहि मुसलाम दा राशन मुक गया। माई साहबा रोजा दर रोजा, रोजा दर रोजा, मां दे जिस्म चो दूध भी खुश्क हो गया। जनाबे इस्माइल जबीउल्लाह नू खुराक ना मिली, मां दी ममता बेकरार हो गई। बच्चा तड़फिया रोया, मां पुत्र नू पत्थर दे साए हेठा लिटा के खुद तलाशी आप वास्ते निकलियां। हाजरा कदे सफा ते कदे मरवाते, कदे सबाते कदे मरवाते, कुदरत दी आवाज आई फरिश्तियो गवाह बन जाओ। जिब्रील कलम नू कह लिख ले या अल्लाह की लिखे हाजरा दे फेरे लिख ले मेरी अरबा एते पुत्र दी प्यास वास्ते पी दौड़ दिए। कुदरत दी आवाज आई मैं जानना मैं पुत्र दी प्यास वास्ते दौड़ दिए, मैं हज दे रुकन बिया बनाना वा हज दे रुकन। जिथे हाजरा पई दौड़ दिए इस्माइल दी मां इब्राहिम दी जोजा मेरी वलिया दौड़ रही है। इथे नबी भी दौड़नगे, वली भी दौड़नगे, गौस भी दौड़नगे, कुतब भी दौड़नगे, अब्दाल भी दौड़नगे, प्यारे अबू बकर भी दौड़नगे, सोने उमर भी दौड़नगे, उस्मान भी दौड़नगे, अली भी दौड़ेगा, बिलाल भी दौड़ेगा, तला ओ जुबैर भी दौड़ेगा, हसन हुसैन भी दौड़ेगा, सैयदा फातिमा भी दौड़ेगी, बल्कि फरिश्तियों गवाह बन जाओ इत्थे मेरा यार कमली वाला मुहम्मद मुस्तफा भी दौड़ेगा। सत चक्कर लगाए माई साहबा ने। सत चक्करां तो बाद मायूस होके पुत्र दा ख्याल ते करां पुछां ते सही जूंदा के है के नहीं। सत चक्करां तो बाद माई हाजरा रब दी वलिया पैगंबर दी बीवी पैगंबर दी मां लखते जिगर दे करीब आई की वेखिया। पाकिस्तान दा कौमी तराना लिखण वाले जनाबे हफीज जलंधरी कहंदे कभी उसिमत जाती थी, कभी उसिमत जाती थी, ख्याल आता था बच्चे का तो फौरन लौट आती थी, और करीब आई तो परी खोले हुए जिब्रील को पाया
तले पांवों के इस्माइल फवारा निकल आया। आबादी बन गई। बहस लंबी है जड़ी मैं तुहानू गल सुनाना चाहना। जेड़े माऊ पिओ ने पिया दवो इब्राहिम फलस्ती इस्माइल वादी है मक्का। कुछ अरसे बाद पुत्र जवान हो गया। एक दरमियान विच फिर एक मुलाकात हुई जी बहस लंबी जिस वक्त वादी है मिना विच लैके गए वह भी जिक्र कर सा। लेकिन पहले मैं गल अर्ज कर दिया पुत्र जवान हो गया। हाय 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 जवानी तो पहले अजे लड़कपन नहीं आया टुरन फिरन दे काबिल हो गई है। जनाबे खलील ने कहा हाजरा मैं बड़ी दूर तो आया वा सफर करके आया वा सोनिया तैयार कर मोहसिन दी दावत ते जाने। मां ने तैयार कीता प्यो लैके पुत्र नू वादिये मिना चला गया। मक्के तो अजीजिया तो 3 मील परे वादिये मिना वे अंदर चले गए। हजरत खलीलुल्ला ने वादिये मिना दे अंदर जाके मैं उना वास्ते पिया कहने जड़े नाफरमान हो पढ़े लिखे हो जान दियो इस्माइल पढ़िया कोई नहीं। हाँ हाँ क्योंकि नबी किसे दा पढ़न दा मोहताज नहीं बल्कि अल्लाह दा पढ़ाया होया होंदा वे। पर अजे इस्माइल ऐलाने नबुवत नहीं कीता नबुवत का इजहार नहीं अजे दुनिया ला इला में छोटी उम्र चलन फिरन दे काबिले। बाप नाल लेके गया अल्लाह दे पैगंबर ने वादिए मिना दे अंदर जाके किया ओ मेरे बचिया मैं ख्वाब वेखिए फलमाराई नहू हाय हाय फलम्मा बलगा मा उस्सा यकाला या बुनैया इन्नी अरा फिल मनाम अन्नी अज़बुहुका फंज़ुर मादा तरा काला या बतिफाल मा तुमारो सतजिदुनी इंशा अल्लाह मिन सोबरी। हजरत जनाबे खलीलुल्ला ने किया पुत्रा मैं ख्वाब तक आवे मैं तेनू ज़िबा पिया करना वा अल्लाह दे रस्ते विच लखते जिगर ए फरमा बरदारी हो रही लखते जिगर बोल के कहंदे बाबा तुसी कहंदे हो मैं ख्वाब तक आवे पर मेरा जवाब ए वे जल्दी करो किधरे हुक्म देन वाला नाराज ना हो जाए। हुक्म देन वाला हुकम शायरे मशरक कलंदरे लाहौरी हजरत डॉक्टर इकबाल थे बोले आप फरमाने ये फैजाने नजर था या के मकतबी की करामत थी। ये फैजाने नजर था ए दो ही गल्लां जी कलंदर नी नजर विच किसे दरसगाह स्कूल मदरसे ना पढ़िया होया या किसी ने नजर ना कमा ले ये फैजाने नजर क्योंकि जाहिरी तौर पर इस्माइल पढ़े हुए नहीं अल्लाह ने पढ़ाया हुए लेकिन नजर ना कमाल फिर माऊ ते पियू नहीं हो सकना। ये फैजाने नजर था या के मकतबी की करामत थी सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फरजंदी। बाप कहना बेटा मैं ख्वाब तक क्या ते लखती जिगर आखने बाबा जी जल्दी करो अनकरीब तुसी तक सो इंशाल्लाह मेरे अल्लाह ने चाया ते तुसी मां साबिरी ना चौपा सो साबिरी ना। ये तो छोटी उम्र हूँ अगली गल सुनियो जी। फिर इब्राहिम चले गए इस्माइल वड्डे हो गए उलमा बैठे आपनी शादी हो गई। किसी मौके ते जनाबे हजरत इब्राहिम आए मक्के विच पुत्रियां मिलने वास्ते। ऐ सुनो जड़े पुत्र बैठे हुए हो पुत्र हो अगर पियू ने तो सुन सो प्यो आया पुत्रियां मिलने वास्ते। खलीलुल्ला ने दरवाजे ते दस्तक दी जुनाबे इस्माइल घर कोई नहीं अंदरों जुनाबे इस्माइल दी बीवी बोली कौन बोली हाय हाय उलमा बैठे मैं जी गल कर रहा जिम्मेवारी तोड़े वास्ते कर रहा इन्होंने वास्ते नहीं इन मन नो ज्यादा पढ़े मैं जानने तोड़े वास्ते इसलाह वास्ते अपन बच्चिया दस्यो बच्चिया दस्यो वालदैन ने जड़े ना फरमान हो सुनो सुनो मेरे खलीलुल्ला ने दस्तक दी अंदरों बीवी बोली हाय 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 इस्माइल दी बीवी बोली जुनाबे इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपना तारफ नहीं कराया
मगर उस बीबी दा बोलना उदा ले जा दरवाजे ते आण के गल करना मेरे नबी अंदर गए नहीं खलीलुल्ला ने अंदर पैर नहीं रखिया पुछिया तू कौन है अखे मैं इस्माइल दी बीवी हां इस्माइल किथे वे अखे बाहर गया होया वे जड़ी गुफ्तगू लहजे नल कीती खुदा दे खलील ने फरमाया इस्माइल आवे उनू मेरा सलाम दे देवी ते नाले कमी एक बाबा आया सी ओ कहंदा सी मेरे आ पुत्रा मकान दे दरवाजे दी चौकाट बदल दे की फरमाया पैगाम की देगा नूआ कि इस्माइल आवे तो उसा दसी कि एक बाबा आया सी ते आखनाया मकान ने दरवाजे नी चौकाट बदल छोड़ इतनी गल करके पैगंबर वापस चला गया जुनाबे इस्माइल आए पैगाम मिलिया बाबा आया सी सलाम देंदा कहंदा दरवाजे दी चौकाट बदल दे अल्लाह दा पैगंबर समझ गया मेरी बीवी दा रवैया ठीक नहीं बाबा आया सी मैनू पैगाम दे दिए इनू आजाद कर दे